चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं पेंटालून से शॉपिंग करके लेके आई थी वो। तो उसमें सिर्फ मेरे बच्चे के कपड़े हैं और एक आध उनका बस, और मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। मैं नहीं खरीदती अपने कपड़े ऐसे, क्योंकि मेरे पापा खरीद देते हैं थोड़े बहुत। मैं जब जाती हूँ ना तो मेरे पापा ही खरीद देते हैं, तो फिर मेरे को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। तो फिर मैं अपने सिर्फ बच्चे के खरीदती हूँ या फिर उनके खरीदती हूँ। खरीदते तो उनके भी हैं लेकिन मेरे को अपने खरीदने का उतना शौक नहीं है, इसलिए बच्चे के और उनके। तो जो शॉपिंग की है हमने वो पेंटालून से की है, और आपको हम पहले से ही एक बात बता दें कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम डेली 15,000 की और 10,000 की शॉपिंग कर पाएँ। ये जो शॉपिंग होती है हमारी पेंटालून से, तो हमारे पास जो कूपन होते हैं जो मिलते हैं, मतलब कार्ड यूज़ करने पे उसके जो कूपन आते हैं वो हमारे पास डले हुए थे, उसी से हम शॉपिंग करते हैं। तो इस बार की शॉपिंग 5,500 से समथिंग हुई है, क्योंकि हमारे पास 5,000 के कूपन थे इसलिए। और पिछली बार जब शॉपिंग की थी पेंटालून से तब 15,000 के कूपन थे, तो तब मैं वीडियोस नहीं शूट करती थी इसलिए नहीं शूट किया था। तो जो इस बार का कूपन है थोड़ा कम था, लेकिन 5,000 का था फिर भी। तो इससे मैं बच्चे के कपड़े आ गए हैं, शूज़ वगैरह भी आ गए हैं वहीं पे मिल गए, क्योंकि शूज़ भी नहीं मिल रहे थे मेरे को यहाँ पर। मैं इतनी सारी देख ली दुकान यहाँ पर जाके, एक पर भी नहीं मिला। सेक्टर में भी, सेक्टर 2 में भी जाके देख लिया, JP मार्केट में भी देख लिया, सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर हमको पेंटालून में ही मिल गया शूज़, तो हमने कहा ले लेते हैं यहीं पर, थोड़ा सा महंगा है बट ले लिया। तो ये है शॉपिंग। तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी तो बच्चे आ गए थे। आ गए बच्चे, बहुत ज़्यादा मेरा खुद का इतना ज़्यादा मक्कार हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे बच्चे का फर्स्ट स्वेटर। कैसा लग रहा है? और ये 600 का है, 600 का है ये। और ये 18 से 24 महीने का है, तो मतलब मेरे बच्चे की तो आ जाएगा, जा सकेगा मेरे बच्चे आ जाएगा ज़्यादा। मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा हेल्दी नहीं है ना, तो ठीक है, मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं है ठीक ठाक है, तो आ जाएगा उसके। ये है फर्स्ट। और ये है एक टी शर्ट। जो कि 400 रुपये की है, 399। तो ये भी 18 से 24 महीने के लिए। तो अभी यहाँ पे ना ठंड स्टार्ट होने वाली है, 15-20 दिन में या फिर एक आध महीने में मतलब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है टी शर्ट, ली तो 2 थी बट एक रिटर्न कर दी, क्योंकि 5,500-6,000 से ऊपर हो गया था फिर। तो हमने कहा इतना क्या करना था, हमने तो फिर रिटर्न कर दी। ये सेकंड नंबर की। अगेन एक और स्वेटर, जो कि ये है। इसका ना फैब्रिक बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, मतलब मज़ा आ जाएगा पहन के। और इसके पास ऐसा रखा हुआ है एक और, जब इसका बर्थडे था ना तो मैं शूट नहीं करती थी तब, वीडियो नहीं बनाती थी। तो जब इसका बर्थडे किया था ना अभी फेब में, तो थोड़ा हैवी बर्थडे किया था, तो मेरी जो मम्मा है ना, तो उन्होंने इसके लिए कपड़े खरीदे थे करीब 10,000 रुपीज़ के, बर्थडे में लेके आई थी वो। तो उसमें से एक ऐसा ही है इसके पास, लेकिन वो वाइट कलर का है शायद, मेरे को ध्यान नहीं था। तो ये एक
मेरे को ये अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ना थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं और बच्चों के लिए बहुत मतलब कंफर्टेबल बहुत रहेंगे। और इसकी प्राइस है 899 प्राइस है। और कलर भी ठीक था, मतलब इसके अलावा और कोई कलर था पता नहीं, शायद नहीं था, शायद पता नहीं, मैंने ढंग से देखा नहीं। मेरे को यही वाला अच्छा लगा तो मैंने यही वाला उठा लिया। ये है मेरे बच्चे का थर्ड वाला स्वेटर, किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी जो मम्मा ने कपड़े दिए थे ना। सॉरी, जो मम्मा ने कपड़े दिए थे लेकिन उसमें से ना आधे तो पहना डाले हैं गर्मियों में, आधे गर्मियों वाले थे आधे सर्दियों वाले थे, तो जितने भी सर्दियों वाले रह गए ना स्वेटर वो सारे शेयर करके दिखाऊंगी मैं आपको जो भी बचे हुए हैं। तो इसके इतने ही हैं, आई थिंक तीन ही लिए मैंने इसके। और ये पजामी थोड़ा सा मोटी मोटी थी, आगे थोड़ी सी ठंड आने वाली है ना तो उसके लिए ठीक है। तो इसमें ये तीन कलर थे, एक कलर तो ये है ग्रीन, ग्रीन जैसा है कुछ, और एक ये था जिसमें एनिमल प्रिंट है, और एक ये ऑरेंज कलर का है। और ये मेरे को तीनों साथ में मिले थे, मतलब तीनों पजामे साथ में मिली थी, कॉम्बो टाइप का है ये। और ये भी है 899 का, मतलब 899 में तीनों हैं मेरे। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा अच्छा सॉफ्ट 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 है, पर इसके प्रिंट भी अच्छे हैं, मेरे को प्रिंट भी अच्छे लगे इसके। और भी थी पजामे, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि और नहीं थी, लेकिन मेरे को इसके प्रिंट अच्छे लगे। और ये एनिमल प्रिंट वाला तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और ऐसे तीन वगैरह होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई नहीं, ये भी अच्छे हैं। तो ये कैसा लग रहा है, ये भी बच्चे का। और लास्ट बच्चे का है जो अंदर वाली बनियान होती है ना वो, क्योंकि अभी तक मैं अपने बच्चों को बनियान नहीं पहनाती थी, तो वहाँ पे मेरे को दिख गई, और दिख गई तो मैंने कहा लाओ ले लेते हैं। और ये भी तीन का सेट था, मतलब और तीन का सेट है 240 रुपीज़ का, वहाँ पे 240 रुपीज़ का था। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा अच्छा है, तो एक ये वाली ब्लू कलर की, स्काई ब्लू थोड़ा लाइट है, बट ये अच्छी अच्छी सी लग रही थी मेरे को, तो मैंने कहा ये वाली ले लेते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इसकी बनियान जैसी जो अंदर पहनते ना बनियान, वो फर्स्ट टाइम ली है, अभी तक नहीं पहनाती थी मैं इसको। तो एक ये ब्लू कलर की, और एक ये येलोइश कलर का है, कुछ येलोइश है कि पता नहीं कौन सा है, लाइट है बट। एक ये, और एक ये पिंक, पिंकिश लाइट पिंक। ये कॉम्बो ये था, मतलब 240 रुपीज़ में तीन मेरे को ठीक लगी है, तो तीन मैंने ये ले लिए। इसके बाद मेरे बच्चे के शूज जो कि मेरे को बहुत मुश्किल से मिल पाए, तो ये हैं बच्चे के शूज। हमको ना ऐसे चिपकाना वाला चाहिए, तो चिपकाने वाला जो थोड़ा सा कंफर्टेबल है ना, वैसे पीते वाले रहते ना तो फिर बांधो बार बार उसको, और इनमें क्या है चिपका दो ना जो शूज, सॉक्स पहना के शूज पहना के चिपका दो छुट्टी। और इनका जो जो इसका सोल है नीचे वाला वो भी अच्छा है, और ये ऊपर ना थोड़ा
थोड़ा लेदर लुक, लेदर वाला लुक आ रहा था, और जब उसने पहने तो बहुत अच्छे लग रहे थे उसको, तो मैंने कहा यही वाले ले लेते फिर। और ये एक ही कलर में थे वहां पे, ब्राउन कलर में, और एक आई थिंक व्हाइट था, कुछ व्हाइट ही था शायद, मैं व्हाइट नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती भाई, बारिश में 2 दिन में गंदे हो जाएंगे। तो ये है शूज, अभी तक नहीं पहने उसने, बस वहीं पे पहने थे। मेरे बच्चे की आदत है अगर वहाँ कहीं पे भी शूज खरीदता है, कुछ भी खरीदता है ना, सैंडल खरीदता है, शूज खरीदता है, कुछ भी खरीदे तो वहीं से पहन के आएगा नए वाले। कल पता नहीं उसके मूड में क्या था जो उसने पहने नहीं वहाँ पर, उसने अपनी वाली स्लीपर पहनी, बस ये नहीं पहनी, इसीलिए नए के नए रखे हुए। अब आते हैं हस्बैंड की टी शर्ट के ऊपर, तो ये है हस्बैंड की टी शर्ट, कुछ ऐसी है। और ये है इसका साइज एक्सेल है, 899 की है, बड़ा अच्छी लग रही है। वैसे रेड कलर नहीं लेते हैं लेकिन ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा, उसका जो बीच वाला पोर्शन है ना वो अच्छा लगा कपड़े, तो उसके साथ ये रेड अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये वाली उनके लिए ली। पहनने के बाद अच्छी लगेगी, लेकिन वहाँ पर ट्रायल अभी बंद है, यहाँ पर ट्रायल नहीं कर सकते भाई। और एक लोअर उनके लिए, लोअर सारा ही कलेक्शन अच्छा था वहाँ पे पेंटालूंस में, क्योंकि हम पेंटालूंस गए थे लालपुर वाले में, यहाँ वाले पे नहीं गए थे, हीनू वाले पे नहीं गए थे, लालपुर वाले पे गए थे, थोड़ा सा दूर पड़ता है लेकिन बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है यार। तो ये वाला इनका लोअर था जो मैंने आपको दिखाया, और इसका साइज एक्सेल है, और ये 899 का है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल रहेगा आपको पहनने के बाद, ये नहीं है कि कंफर्टेबल ना रहे, कंफर्टेबल है ये और आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ छोटी मोटी शॉपिंग छोटी मोटी शॉपिंग थी जो कि हमने पेंटालून से की थी कल, और ये वाला वीडियो पहले जाएगा बाद में जाएगा अभी मेरे को नहीं पता, जब भी जाए तब भी आप देखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बाय बाय।